तो गाइस मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा था कि इस मौसम में मुझे चाहिए ठंडा। जैसे कि आपको मालूम है समर है, तो मुझे चाहिए कुछ ठंडा। अब चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो या आइसक्रीम हो। तो गाइस वैसे भी आपको मालूम है कि ये जो वायरस चल रहा है इसमें अलाउड नहीं है कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स या कोल्ड आइसक्रीम को खाना या पीना। तो फिर भी मेरा मन कर रहा है, तो मैं आज बनाने वाला हूँ ओरियो आइसक्रीम। तो फ्रेंड्स हम बनाएंगे ओरियो आइसक्रीम एंड लेट्स ट्राई कि कैसे बनती है और कैसा इसका टेस्ट है। ओके सो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपने किचन में। एंड गाइस जो आपको थिंग्स चाहिए ना, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए ये 3 बिस्किट। मैं 3 बिस्किट ले रहा हूँ। ओके 3 बिस्किट का पैकेट है। एंड बाय द वे ये ओरियो है, आप देख सकते हैं। तो कोई सा भी आप ओरियो ले सकते हैं। एंड ये 2 रानी जूस है क्योंकि इसकी भी आइसक्रीम हम बनाएंगे। एंड यस द मेन थिंग स्टिक्स। ओके सो फ्रेंड्स आपको ये रैपर कट करना है जैसे कि आप देख सकते हैं इधर। पर आपको है ना ये रैपर थ्रो नहीं करना है क्योंकि इसमें ही हम आइसक्रीम की स्टिक्स डालेंगे और इसे फ्रीज करने रखेंगे। तो फिलहाल हम डालते हैं ये ब्लेंडर में बिस्किट। सो फ्रेंड जैसे कि आपने अभी देखा हमने मिल्क डाल दिए हैं। अब इसे ब्लेंड करना है। ओके जब तक आपको ये स्मूथी की तरह ना दिखे। एंड बाजा भाई मेरी मॉम हेल्प कर रही हैं, आप ये मत सोचें कि मैं अकेला कर रहा हूँ। ओके या सो फ्रेंड्स दिस इज अवर नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर मेरी मॉम हेल्प कर रही हैं। हाय कर दे मॉम। सो या जो बाकी का काम है वो मेरी मॉम हेल्प कर रही होंगे, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो हमने शेक बनाया है ओरियो का, ये आपको डालना है इस रैपर में और फिर उसे फ्रिज करने रख देना है। ओके रेफ्रिजरेटर में ट्राई करेंगे। ये फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ओरियो आइसक्रीम। सो फ्रेंड्स फाइनली हमने 6 वो लिए हैं इंग्रेडिएंट्स। 3 ऑफ देम तो ये 3 जूस हैं, ऑरेंज जूस हैं। ओके तीनों भी एंड 3 ओरियो बिस्किट हैं। तो हम 2 टाइप ऑफ आइसक्रीम बनाने वाले हैं। अब फाइनली हमें ये बस स्टिक्स लगाने और रेफ्रिजरेटर में रखना है। सो फ्रेंड्स फाइनली हमने जो आइसक्रीम्स है हमारे वो हमने रेफ्रिजरेट उन्हें रख दी है। तो बाकी के सीन्स मैं आपको टुमारो दिखाऊंगा क्योंकि आपको मोस्ट प्रॉबली 12 आवर्स या 1 डे तक आपको रखना है। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ अपने हॉल में। एंड गाइस मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा था कि आपको एक चैलेंज करके दूँ। तो बेसिकली ये जो चैलेंज है ये है मेरा 5 डेज डेली व्लॉग चैलेंज। तो व्हाट आई मीन टू से इज़ आई विल व्लॉग फॉर 5 डेज एंड आई विल अपलोड डेली। तो देखते हैं ये चैलेंज कैसा जाता है और कैसे मैं व्लॉग बना पाता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें और अपना लव दिखाइए। तो मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाता रहूँगा। तो गाइस अभी मैंने आपको टाइमिंग बताया था। बाय द वे हम जो डिनर करते हैं वो 11 o'clock के अराउंड का। टाइम इज़ नाउ 10:35 एंड माय फादर हैज़ अराइव्ड। आई विल शो यू। ओके एंड गाइस अगर आप कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो प्लीज़ वेयर अ मास्क। ओके तो अगर आप वर्क करने भी जाते हैं तो मास्क वेयर करें। ओके एंड गाइस ये अभी पापा शॉप से आए तो मैं आपको अपनी शॉप बता देता हूँ। हमारी जो शॉप है वो एक्चुअली लोकेटेड है यूनिवाइड के ऑपोजिट एंड द नेम इज़ मुगल टेक्सटाइल एंड टेलरिंग। तो इनकेस अगर आपको कभी स्टिचिंग करवानी है तो प्लीज़ आइए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैव अवर डिनर। सो लेट मी शो यू व्हाट इज़ द मेन्यू ऑफ अवर डिनर टुडे। सो एज यू ऑल कैन सी दिस इज़ अवर कबाब कढ़ाई करी
आई कैनॉट प्रोनाउंस इट एंड दिस इज अवर फिश विच वी हैव डन अ बारबेक्यू. सो फ्रेंड्स दिस इज अवर नेक्स्ट डे एंड आई विल कंटिन्यू मेकिंग द ओरियो आइसक्रीम. वेल आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग यस्टरडे. When you will keep the ice cream in refrigerator, okay? So after 2 hours, you have to put the sticks. मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो हमने ओरियो आइसक्रीम बनाई थी उस पर हम कोटिंग करेंगे, ओके? हम डबल चॉकलेट ओरियो आइसक्रीम बनाए हैं, तो उसके लिए मैंने ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है. सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने चॉकलेट डाल दी है, इसे बस आपको मेल्ट करना है. By the way, आपको ये ऑयल डालना है और ये कोकोनट ऑयल है फॉर मोर टेक्सचर. सो फ्रेंड्स हमने है ना चॉकलेट को मेल्ट कर दिया है और इस ग्लास में लिया है. अब इसे हम कोट करेंगे. तो फाइनली हम अपने ओरियो आइसक्रीम को निकाल दें. By the way, ये रेडी है आइसक्रीम बट हम एक्स्ट्रा टेक्सचर देने के लिए ये हमारे ये रैपर है और ये ओरियो आइसक्रीम. अब इसे हम ऐसे करते हैं डिप. सो फ्रेंड्स फाइनली हमारी डबल चोकोबार विथ ओरियो ओके रेडी है आइसक्रीम. जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारी आइसक्रीम. इस पर हमने डबल वो डाले हैं चॉकलेट. एक तो ओरियो आइसक्रीम है, ऊपर से चॉकलेट की कोटिंग की है और साथ में हमने कोई नट्स यूज करे हैं, आप देख सकते हैं. अब मैं आपको जरा इसका इनसाइड का टेक्स्चर दिखाता हूँ, ओके? वन बाइट आई विल शो यू. सो गाइस बहुत इजी है ये रेसिपी बनाना. तो फ्रेंड ये जो ओरियो आइसक्रीम है एक काइंड ऑफ वैसा टेस्ट दे रही है. आई होप कि आपने इंडिया में खाया होगा बर्फ का कोला. आई डोंट नो कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, शायद आइस स्लशर या कुछ और. अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. तो सेम वैसा टेस्ट है और ये अच्छी भी लग रही है, ओके? काइंड ऑफ ओरियो बर्फ का कोला, ओके? तो आप लोग प्लीज ट्राई करें और मुझे बताएं. सो फ्रेंड्स अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया इसे करें लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल यूट्यूब व्लॉग्स एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने ये रेसिपी ट्राई करी या नहीं, ओके? तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर माई लवली फ्रेंड्स.